तो चैनल आई होप यू ऑल आर फाइन। तो यार अभी सुबह सुबह मामला हो चुका है गरम, बहुत गंदा वाला दिमाग खराब हो रहा है। मतलब मेरे समझ नहीं आता है, लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं या खुद खुद जानबूझ के है ऐसा क्या करते हैं, है क्या कुछ है नहीं समझ नहीं पता। आता। या ये कि होटल वाले पकड़ के ना किसी अनपढ़ गवार को बिठा देते हैं। क्या बोलूँ मैं, और कुछ भी मैं अपशब्द बोलूँगा तो प्लीज़ मतलब माइंड मत करना, क्योंकि बुद्धि घूम गई है। बात ये हुई है, हमने सुबह फ़ोन किया, एक्चुअली कल नोएडा में हमने होटल बुक किया, तो जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था सुबह का। और ब्रेकफास्ट के लिए जब पूछा तो उन्होंने कहा रूम में आएगा ब्रेकफास्ट। मेन्यू बताया, मेन्यू में मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा आप आलू पराठे भेजना, तीन पराठे तीन भेजना। तो दो जने हैं यार। बंदा बोलता है कि हाँ तीन नहीं, सिर्फ एक बंदे के लिए एक ही एक आएगा। पराठा, मतलब तो दो मैंने बोला जने हैं कम से कम, दो तो खाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसी कोई लिमिट थोड़ी ना होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। एक कॉम्प्लीमेंट्री में भी नहीं होती, पर एक लॉजिकली देखा सही जाए बात तो है एक बंदा दो पराठे भाई, तो खाएगा ना, क्या एक्स्ट्रा मैं डिमांड तो किया। तीन भी तीन उड़ा देता हूँ, लेकिन हमने तीन पराठे मंगाए अपने उसके अकॉर्डिंग। पराठे मंगाए सिर्फ बताऊँ हाँ, किसके लिए, एक और आधा इनका, डेढ़ डेढ़ एक और पराठे आधा खाने के लिए। मेरा। बाकी हमने फिर बोला चाय हमें तीन चाहिए, क्योंकि हुआ ये कल हमने रात को जब चाय ऑर्डर की तो थी बहुत कम क्वांटिटी थी, तो हमने बोला तीन कप भेजना आप चाय के। तो ना नहीं, एक आदमी के लिए एक ही कप आएगा। हमने बोला अच्छा भाई चलो चाय की तो बात छोड़ दो, उसके बाद मेन्यू में क्या क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में होता है जो जो होता है, हम उसमें से जितना मर्जी अपने हिसाब से जितनी मर्जी क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बंदा बोल रहा है नहीं आप पराठे, या तो पराठे आएंगे या बटर टोस्ट आएगा या सिर्फ सैंडविच आएंगे, तीनों में से एक चीज़ मंगाइए। मैंने ये कौन सी बात हो रही भाई, तुम कौन सा होटल रन कर रहे हो भाई, और पहले क्या कोई मैनेजमेंट किया है तुमने या कहाँ काम किया, दिमाग खराब कर रहा है भाई बंदा। भाई हद से मैं तो ज़्यादा अभी हमेशा भी उसी पीछे होटल पड़ा हुआ में है कि यही नहीं, हूँ एक ही पराठा भेजेंगे आप, कि कन्फर्म कर दो। बूफे और बूफे। बार बार कि 10 बजे बंद हो जाएगा, 10 बजे बंद हो जाएगा, 10 बजे के बाद नहीं। हमने भाई सुबह 8 बजे से कॉल कर रखी है, अभी तक बहसबाजी कर रहा है, और अब बहुत गंदा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो फट जाऊंगा इसके ऊपर अगर 10 से ओवर हो गया। और इसने तमाशे, आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, कभी भी कहीं भी जाओ ना यार ऐसे होटल बुक करो ना। एक तो हमें पता नहीं था, लेट हो रहा था कल और थके हुए थे, और जिस हिसाब से रिसेप्शन में हमसे बात की थी जो रात को था लड़का, उस हिसाब से तो हमें लगा होटल भी बहुत अच्छा है, रेटिंग भी अच्छी थी इसकी, बट हमें क्या मालूम था सुबह ऐसे तमाशे हो जाएंगे। और कभी भी किसी होटल जाओ ना यार, पूरा पता कर लेना अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है तुम्हारा क्या सीन होता है, और रूम्स वगैरह अच्छे से सबसे चेक करना। बेस्ट तो इस होटल बूफे में होता है और एक कुछ और नहीं। बकैती हुई है, इस होटल में भी मैं बाहर से होटल भी दिखाऊंगा, आना मत यार यहाँ पे कभी। इस होटल में हुआ कल रात, हम आए एक रूम में गए एसी नहीं चल रहा, फिर बुलाया, फिर उसने दूसरे रूम में हमें शिफ्ट करा इसमें भी वहाँ नहीं भी चल नहीं रहा चल था रहा, एसी। तीसरे में आए वहाँ इसमें भी नहीं चल रहा था, पता नहीं जैसे तैसे हल्के बहुत देर उसने पता नहीं क्या किया, तब जाके ठीक ठुक करके कंप्रेसर ऑन करवा के तब जाके चला है। और फैन भी इतना धीरे चल रहा है, अभी एसी बंद ही कर रखा है, क्योंकि वो चले ना चले बराबर अभी उस मेरे और उस डब्बे और नहीं देखो खुले एक और ना। चीज़, ये देखो हटो, ये देखो पूरी रात ना यहाँ पानी टपक रहा था, ये देखो ये गीला हो रखा पोर्शन यहाँ से एसी से, मतलब बहुत देर देर में जैसे हर 10 मिनट में एक ड्रॉप टपक रही है। उसका भी मैंने कुछ नहीं बोला भाई, उसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन हद कर रखी यार तुमने, ब्रेकफास्ट मच्छर के लिए तो इतने ना करो ना सारे तुम, रूम दिमाग में खराब। मच्छर है ना, दिमाग खराब हो वो गया। लगा रखा है यहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट, उसमें लिक्विड ही नहीं है, दिमाग खराब भाई करना क्या चाहते हो, बहुत बेकार सर्विस। आई बंद कर पे दो यार पेड होटल अगर टू नहीं करवाना। थाउजेंड रुपीज टू फॉर दिस थाउजेंड का बुक होटल किया है ये, और मैंने ना इतना मतलब घटिया टेरेस व्यू जानबूझ के ऑर्डर घटिया किया, वो होटल है क्या एक था नंबर बुक। का। पता बालकनी हमारे में है, पर पता जो पहले दो रूम दिए ना, जानबूझ के उसने वो बालकनी दे छोटे दी। रूम दिए जानबूझ के, इतना लास्ट में ये घटिया वाला रूम रूम दिया उसने। दिया, क्या बोलो। इससे बेटर तो यार वो लद्दाख में ना 250 रुपए के बेड मिलता है सोने के लिए, वो बेटर एग्जैक्टली होता है, और वो तक डिनर देते हैं फ्री, और उसमें जितनी मर्जी आप रोटियां दबा लो, 10 रोटी खाओगे कुछ नहीं बोलते वहां पे। तो यार मैं ना मतलब परेशान हो गया इस होटल से, सच्ची बताना मेरा इतना मतलब, मैं इसे अपना बखैत बखैत वाला होटल, दो वाला वर्ड मैं यूज नहीं करना चाह रहा, आप समझ रहे हो, तिया वाला ये बखैत होटल है। एक चीज दिखाता हूँ जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया अभी, मतलब देखो ये नलका है ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोल्ड और हॉट के लिए ब्लू रेड लगा रखा निशान, लेकिन दिक्कत क्या है जब मैं ब्लू में खोल रहा हूँ ना तो गर्म पानी आ रहा है, रेड में खोल रहा हूँ तो ठंडा पानी आ रहा है। भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम मतलब कौन लगा के गया है, अभी मुझे लगा ठंडा पानी होगा भयंकर, इतना तेज गर्म पानी था साला मुंह जल गया मेरा, नो वर्ड्स ओनली गालियां हैं निकल रही, गालियां बहुत गंदी गंदी, बस क्या बोलूं मैं, निकलना है यहां से बस फटाफट अब। तो भाई ये होटल है जे जे के स्टे @203, तो इसको ध्यान से देख लो,
और बहुत अच्छी तरह से देख लो भाई, यहाँ मत आना, इस घटिया होटल में बिल्कुल मत आना। अभी हमारी बहुत बहस हुई है इनसे रिसेप्शन में, मत आना, बिल्कुल बेकार होटल है। हमने पैसे दे दिए भाई, हमने, मैं तो मुंह पे मार के आया उसके पैसे, मैंने बोला तू रख भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये, जो बात गलत है वो गलत है। यहाँ तक कि हमने सोचो कल रात डिनर भी ऑर्डर किया तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव ऑर्डर किया था। वो बंदा ये बोल रहा है कि भाई आपको पे करना पड़ेगा। हमने बोला देखो भाई, जो बात गलत है वो गलत है, ये बहुत गलत बात है। सबसे घटिया होटल है ये नोएडा का। और भाई जब भी आना नोएडा में या कहीं भी जाते हो उससे, तो मैं भी ध्यान रखूँगा पहले ही ना, ये सारी कंडीशंस, चेकआउट टाइमिंग, ब्रेकफास्ट टाइमिंग, हर चीज़ें क्या मिलेगा क्या नहीं, सब पहले से पूछो, उसके बाद ही पे करना। नाम बता दो अपना नाम। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अनुराग नाम था। चलो ब्रो। तो यार अभी अभी अपने को दो सब्सक्राइबर मिले हमारे, एवेंजर पे थे वो नोएडा में, बोल रहे थे देखते हैं व्लॉग्स। तो भाई बड़ा अच्छा लगा यार, बाकी भाई बड़ी गंदी भगा रहा था वो एवेंजर, बोल रहा था रेस करोगे, मैंने बोला ना यार आप जाओ, हम नहीं करते रेस, हमारा तो यहाँ चलान कट जाएगा भाई। ठीक है भाई, लोग तो अंधाधुन भगा लेते हैं, क्या कर सकते हैं बिना हेलमेट के। अब ये भी अलग। तो गाइस अभी हम लोग वापस ओ मेरठ वाली रोड पे आ चुके हैं, जहाँ से हम दिल्ली आते हुए हमने संघर्ष किया था। अब बस आगे जो मेन फ्लाईओवर है ना यार, वहाँ हमें बस जाने मिल जाए, क्योंकि यार इस रोड पे चल लेंगे ना इस हिसाब से तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा जाने में। ऊपर से लोग भाई ऐसी की तैसी करके चला रहे हैं भाई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा भाई, आराम से चला लो, क्या जा रहा है तुम्हारा भयंकर, ऐसे कट मार रहे हैं जैसे पता नहीं तो मतलब जंग हो रही होगी, और इन्हें पहुँच के बस पहुँच भी नहीं, जान बचा के भाग रहे होंगे, ऐसे भगा रहे हैं। तो भाई बहुत देर के बाद फाइनली हमें दिखा है बोर्ड जिसपे हरिद्वार और देहरादून मेंशनड है। तो ये पुराने वाली रोड है शायद, मुझे मालूम नहीं, बस इतना पता है पहले शायद यहीं से आया जाता था। अब समझ नहीं आ रहा है यार वो एक्सप्रेसवे का सीन क्या चल रहा है, क्यों बंद किया गया है, क्यों अलाउड नहीं हो रहा है, कारें तो जा रही है, तो भाई बाइकों को भी करो, बाइक वाले हम फालतू परेशान हो रहे हैं। बाकी देख लो भाई वीडियो, आप लोगों को अपडेट मिल रहा है दिल्ली हाईवे, दिल्ली नोएडा हाईवे का क्या हाल हो रखा है अभी। तो अरे बाप रे, देखो रास्ते में पूरे गन्ने का ट्रक पलटा हुआ, खतरनाक भाई, भयंकर। ये अभी अभी पलटा है क्या, टायर घूम रहा है इसका। तो अभी हम लोग रुके थे हाईवे कोटियार्ड पे, और ये बस जस्ट बिहारीगढ़ के बाद है, मतलब देहरादून जाते हैं बिहारीगढ़ के बाद पड़ता है। तो खाना अच्छा था, सर्विस ठीक ठाक थी, बट बढ़िया है, फूड टेस्टी था। चलो मैडम विराजमान हो जाओ। चलो चलो आप चढ़ो तो सही, बस बैठ गई अपने सिंह। तो दिक्कत अब ये हो रही है, देख रहे हो, तो ये पैनियर का जो ये कॉर्नर है ना, दूसरी साइड का भी सेम यहाँ टच हो रहा है ऋषिका के बहुत ज़्यादा, और जब मैं बैठ रहा हूँ तो लेग्स और खुल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इससे ना पूरे छाले पड़ गए हैं यहाँ पे। तो ये हमसे गलती हो गई एक, उस टाइम बैठ के ट्राई नहीं किया, जो यहाँ पे इसके स्क्रू है ना, ये आगे के दो होल और दिए, तो वो दो होल और पीछे करके लगवाएंगे तो पैर यहाँ से आराम से आ पाएगा फिर। तो ये हमसे गड़बड़ हो गई, ये खुद ही ठीक करेंगे हम खोल खाल के। फिलहाल चलते हैं यार अब जल्द से जल्द, बस अब तो ऐसा मन कर रहा है, बेडरूम याद आ रहा है इस टाइम, बेडरूम 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 बस, और आराम से भयंकर यार थोड़ा सा ना फ्रेशन अप होके बिस्तर में घुस जाए, सो जाए बस, और कुछ नहीं। चलो जी अब आएगा अपना प्यारा उत्तराखंड का मोहंड का जंगल, मजे लेंगे कर्ज के।